आइए क्लास मैथ पढ़ते हैं रोमन नंबर जो कि पेज नंबर 19 पर है। तो आप पेज 19 खोल लीजिए और रेडी हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोमन नंबर का वीडियो देखकर रोमन नंबर समझ गए होंगे। फिर भी हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके बुक के पेज नंबर 19 पर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। तो आइए एक दो इसमें से सॉल्व करते हैं और बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। पहला नंबर जो है क्वेश्चन, वो कह रहा है कि राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। इसका हिंदी अरबिक न्यूमरल आपको लिखना है। तो हमारा जो है डी सी सी एक्स, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डी मतलब 500, सी मतलब 100, 110। तो बताया गया था कि अगर आगे कोई नंबर आता है तो वो उसमें जुटते जाता है। तो ये नंबर हो गया हमारा 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, मीन्स हमारा जो टोटल नंबर हो गया 5 × 200 = 710। तो ये 710 हम ऐसे लिखते हैं, अरबिक हिंदू अरबिक न्यूमरल में ऐसे लिखते हैं, और रोमन में अगर 710 लिखना होगा तो डी सी सी एक्स। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शायद आप लोगों को हेवी लगे। तो एच नंबर में जो है वो है एम एक्स सी वी आई आई आई, मतलब हमारे पास है एम मतलब हो गया 1000। और बताया गया था कि अगर कोई छोटा नंबर के आगे बड़ा नंबर हो तो उसमें से वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये छोटा नंबर है x और c 100 है और x 10 है, तो ये हमारा ये जो नंबर है ये 90 का आ जाएगा। तो 90 इसमें जुटते जाएगा आगे वाला नंबर, यही समझाया गया था। और ये हमारा 8 है, 5 और उसमें 1 जुटेगा, फिर 1 फिर 1, तो ये हमारा 8 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1098, क्लियर है। अब चलते हैं अगले नंबर पे। कह रहा है कि आपको राइट द रोमन न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग, तो इसको आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है। तो 73 को हम कैसे लिखेंगे? 70 लिखने के लिए सबसे पहले हम 50 लिखेंगे, फिर उसमें 20 ऐड कर देंगे, मतलब कि उसके आगे 10 दो बार लिख देंगे, 70 हो गया। फिर उसके बाद से 3 लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया 73। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 999 बी में जो है 919 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हमको 900 लिखने के लिए कोई भी नंबर तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। तो हमको 900 लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एम लिखेंगे 1000, और इसके लेफ्ट साइड में अगर हम सी लिखते हैं तो ये 900 हो जाता है। तो ये सी एम हो गया, मतलब 900, और 19 आप लोग जानते हैं कैसे लिखना है, मतलब कि हमको 10 लिखना है और उसमें 1 × x लिखेंगे, तो ये 9 हो गया। तो 10 × 1 9 हो जाएगा, ये सी एम। तो हमारा जो है रोमन 3 नंबर में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एंड गिव योर आंसर इन रोमन न्यूमरल्स, तो इसमें जो है आपको सॉल्व करना है और रोमन में आंसर करना है। तो ये हमारा है 10 10 10, मतलब कि 30, और ये 5 × 1 = 36। तो इसको सबसे पहले बनाने का तरीका ये है कि पहले इसको हिंदू अरबिक न्यूमरल में लिख लेते हैं, फिर माइनस का साइन दे देंगे, और 10 10 20 × 2 22। तो ये हमारा हो गया 36 − 22, 6 − 2 = 4, 3 − 2 = 1। तो हम जो है यहाँ 14 आ रहा है दोनों को माइनस करने में, तो 14 कैसे लिखेंगे, 10 × 3, ये हमारा हो गया 14। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एम सी डी, मतलब ये 1000, 100 और ये 500। तो 100 ये 500 से पहले है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 400 हो गया
और ये 1000, तो ये नंबर जो है 1400 है, और उसके बाद से 1, 2, 3 सी है, मतलब कि ये 300 है और ये 22 है, तो 322, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, 10 में से 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ से हमने कैरी किया है, बोरो किया है 4 में से, और बोरो करके और बना लिया है इसको 10, और 10 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 8, यहाँ हमारा 9 बच गया है, 9 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 7, यहाँ 3, 3 में से 3 0, और ये 1 वैसे ही आ जाएगा, तो हमारा 1078। तो 1000 लिखने के लिए हम एम लिख देंगे, और 100 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 78 मतलब कि हमको लिखना है 70 पहले लिखेंगे, एल एक्स एक्स 70, और फिर 8 लिखने के लिए 8, ये हमारा 8 हो गया। आइए अब 4 नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं, एक एक मैं बना देता हूँ, बाकी आपको बनाना है, तो जैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया था वैसे ही इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले इसको हिंदी अरबिक न्यूमरल में लिख लेंगे, तो ये हमारा 55 है और ये 3 है, तो 55 एंड 3 को ऐड कर देंगे, तो 538 एंड 558, तो 58 कैसे लिखेंगे, एल लिख देंगे, 5 लिख देंगे और उसमें 3 और ऐड कर देंगे, तो ये 58 हो गया। अब जो है एक और एग्जांपल बता देते हैं कि आपको आसान रहे समझने के लिए, ये हमारा है 1250 और प्लस 10 60, 1260 इसको मैंने हिंदी में हिंदू अरबिक न्यूमरल में लिख लिया है, और उसके बाद से हमारा है 50 और प्लस 10 60 एंड 464, तो इसको भी हमने हिंदू अरबिक न्यूमरल में लिख लिया। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 4, 6, 6 ऐड करेंगे तो 12, 1 इसमें कैरी जाएगा और 1, तो 1324, तो 1000 के लिए हम एम लिख लेंगे, 300 के लिए 3 बार सी लिख लेंगे, 3 सी सी सी, और उसके बाद से हम 24 लिख लेंगे, तो 24 लिखने के लिए 20 पहले और 4 ऐसे, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको टोटल चैप्टर कंप्लीट करना है, और नीचे आपको फॉर्म टाइम में दिया हुआ है, जो आपको दिखा देता हूँ फोटो में, ये सब अच्छा, यहाँ पे आपको एक तिल्ली हटाना है, एक तिल्ली को कहीं से कहीं मूव करके, और ये आंसर, ये जो सेंटेंस है इसको सही कर लेना है, तो ये थोड़ा सा सोचना है आपको, और सोच के इसको देखिए कि कौन से तिल्ली कहाँ करते हैं, तो कैसे ये टोटल इक्वेशन सही हो जाता है या टोटल सेंटेंस सही हो जाता है, ठीक है।